पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए का खुलासा करने वाले चैनल की रिपोर्टर भावना किशोर को पंजाब के लुधियाना में पंजाब पुलिस ने ये कहकर फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया था कि उनकी गाड़ी ने दलित वर्ग के लोगों को टक्कर मारी है और जाति सूचक शब्द कहे हैं। गिरफ्तारी के बाद से महिला पत्रकार को लेकर शुरू हुई एक मुहिम से देश भर की महिलाएं जुड़ गई हैं और खुद को भावना किशोर कहते हुए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए बाध्य करने तक की बात कहने लगी हैं। देश की जागरूक महिलाओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा है कि उन्होंने अपने घर में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं, 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उनका हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा टैक्स पेयर का है। एक रिपोर्टर और वो भी लेडी, और वो भी दिल्ली से जाती है चंडीगढ़, जहाँ पर वो एक बाइट ले रही है एक सीएम की। कहा जाता है, जो लॉ कहता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद उस पर पूरा एक बयान होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और जो एलिगेशन लगा है कि उसने किसी को, दो लेडीज को शेड्यूल कास्ट कहा है, तो उसके लिए पब्लिकली जो बात आ रही है तो उसका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। हम पावर में हैं, एक तरफ हम कहते हैं एक नारी की सुरक्षा, नारी का सम्मान हमारा अधिकार है, और ये सरकार कहती है कि हम विमेन एम्पावरमेंट और मिशन शक्ति के बारे में इतना सारी बातें करते हैं, लेकिन हम खुद अगर एक पावर में हैं और एक पत्रकार आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, और हिंदुस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री है, और जहाँ पर नेताओं को जवाब देने का पूरा उनको जवाब देना ही चाहिए, वो उनका धर्म बनता है। तो आप एज अ सीएम ऑफ दिल्ली, आपको उसका जवाब देना आपका धर्म बनता है, ना कि उसके ऊपर कोई एलिगेशन। अगर आपको लगा है कि उसने कोई गलती करी है तो उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा उसे जाना चाहिए, प्रूव होना चाहिए, और जो उसका प्रोसीजर 1 घंटे के अंदर कैसे कोई हर चीज़ प्रूव कर सकता है। आप एक लेडी पत्रकार को जो दिल्ली से चंडीगढ़ में, फिर से कहे दिल्ली से चंडीगढ़ आई है, उसके ऊपर आपने यूं ही एक्शन ले लिया, पहले समझिए तो, पहले जानिए तो। अगर आपके बारे में टाइम्स नाउ में एक चीज बाहर निकल के आई है कि रेवोल्यूशन में ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको आप आके सामने पब्लिकली बताइए। आप आम पार्टी तो हमेशा कहते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, यू आर द हेड ऑफ द आम पार्टी। पहली बात तो एक रिपोर्टर खुलासा कर रही है तो उनके खिलाफ इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। फिर वो महिला हैं तो इस नाते तो बिल्कुल ही गलत हुआ है उनके साथ, और हम लोग उनके साथ हैं, हमारे पूरे महिला शक्तिकरण उनके साथ है। ये जवाब माना गलत नहीं है। अगर वो आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी के बीच में हैं, तो उन्हें इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा, तभी वो आम आदमी पार्टी के कहलाएंगे। जो भावना किशोर के साथ हुआ वो गलत हुआ। आम आदमी पार्टी जो कहती है हम आम लोगों के बीच में रहते हैं, आम लोग के लिए करते हैं, और वही एक रिपोर्टर, वो भी महिला, जब खुलासा कर रही है आम आदमी पार्टी का और उसे अरेस्ट कर रही है, तो ये बहुत ही गलत है। और मैं भावना किशोर के साथ हूँ, और केजरीवाल जी को इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। मेरा कहना यही है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी को ये मतलब करना नहीं चाहिए था इस तरह से। जो रिपोर्टर हैं हमारी भावना किशोर जी, तो मतलब उन्होंने जो भी किया रिपोर्टिंग के नाते, मतलब उन्होंने उनका जो खुलासा किया, जो उन्होंने घोटाले कर रखे हैं इस उद्देश्य में, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे मतलब ये प्रतिक्रिया दिखाई कि उन पर मतलब बिना मतलब के आरोप लगाए गए, ये सब गलत है हमारी नज़र में। हम भी एक महिला हैं, मतलब महिला होने के नाते हम फुल उनके सपोर्ट में हैं, और हमें उनके लिए कुछ करना भी पड़े तो हम बेशक उनके साथ हैं। अगर कोई महिला अपनी बात को बता रही है या किसी भी अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी काम का खुलासा कर रही है, तो उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उसे जो अरेस्ट कराया है, हम उसके खिलाफ़ हैं, और यही कहना चाहेंगे कि किसी भी सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है कि एक महिलाओं के जो उनका अधिकार क्षेत्र है उसका हनन हो रहा है। इसलिए हम जो है भावना जी हैं उनके साथ हैं, और महिला होने के नाते भी उनके साथ हैं। शायद हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए जिसमें कि महिलाओं का अपमान हो। उन्होंने अपनी बात कही, और केजरीवाल जी के जो भी घोटाले हैं या जो कुछ भी है उसका खुलासा करा, तो ऐसा करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, और इसमें हम भावना जी के साथ हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।